हाँ तो इसमें चला गया है, तो कोई सीढ़ियाँ हैं तो इस तरह से स्लाइड करके लेके जा रहे हैं। वेलकम टू आवर चैनल कौशिक कनेक्शन वंस अगेन। तो अब हम एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जमघट लगा हुआ है। हमने अभी सामान ऊपर शिफ्ट किया है क्योंकि हम जा रहे हैं एक नई जगह पे। हमने पूरा एक एंटायर हाउस रेंट किया है, और वो क्यों रेंट किया है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो द थिंग इज़ वी आर सो एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम वी आर पिस्ड ऑफ, क्योंकि हमको सब कुछ मूव करना है। एंड अभी कुछ स्टफ ऊपर भी है, कैंडी ऊपर है, ओरियो यू कैन सी, ओरियो लेट्स गो गो गो, ओके वी आर गोइंग, यू कैन सी। जब हम वी आर गोइंग बोलते हैं तो ये बंदा रिस्पॉन्ड करता है कि मुझे छोड़ के ना चले जाए। एनीवे सो वी गोना डू दैट। सो हम ये लोग रात को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेस्ट टाइम टू शिफ्ट इज नाइट ओनली अकॉर्डिंग टू अस, या अकॉर्डिंग टू अस, बिकॉज मॉर्निंग में हमारी शिफ्ट्स वगैरह होती हैं। और तो बस अब आपको दिखाते हैं, और अभी आपको दिखाएंगे घर अभी खाली, हमें अनफर्निश्ड मिला है और थोड़ा सा महंगा भी मिला है अभी करंट उससे, लेकिन वर्थ इट। ओके सो वी गोना शो यू नाउ। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी ये ईयर ख़त्म ही होने वाला है, हार्डली 4-5 डेज बचे हैं, और ये सोनू है। और आप देखो कि कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है, कोई स्नोफॉल हुआ ही नहीं है, बस थोड़ा सा हुआ था फिर उसके बाद इट्स ऑल गॉन। और ये सारी डेकोरेशन की हुई है क्रिसमस की और न्यू ईयर की, बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ क्रिसमस चला गया है, हमने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे इसी चक्कर में कि घर वर मिल जाए, क्योंकि थंडर वे में हाउसिंग की क्राइसिस हो रखी है। ओके गाइस तो ये इंडिया का बैग है भैया। तो ये अब हम अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज माई लगेज, या भी क्योंकि ये थोड़ी सीढ़ियाँ हैं तो इस तरह से स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लगेजेस थोड़े हैवी है। तो ये अब हम डाल रहे हैं सामान अपनी कार में। तो भाई अब हमने लगेज रख दिया है, और टेम्परेचर भी -4-5 हो रखा होगा, और विंड है तो फील्स लाइक 7 or 8 -7 or 8। तो बस अब हम चल रहे हैं और फिर चल के आपको दिखाते हैं, हार्डली 5 मिनट दूर है। सो हेयर वी आर नाउ, ओरियो कैंडी। वार्म लग रहा है कार में? हाँ गर्म कर दिया बाहर, तो ऐसी मौत आ रही है हवा से, खालों पे ऐसी लग रही है, हाथों पे मतलब सेंसिटिव स्किन पे ऐसी लगती है दैट आपको कट लगाओ। एनीवेज लिटिल टिप गाइस कि जब भी आप इंडिया से आओ ना, तो मेक श्योर आप बैग है ना कपड़े का ना लाओ, उसके है ना व्हील्स हट जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं इवेंचुअली जब आप शिफ्ट विफ्टिंग करोगे, और मे बी अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो पहले ही मेक श्योर आप ऐसे प्लास्टिक के बैग्स लाओ जैसे कि आपको दिख रहे हैं, इनके ये थोड़े इंटैक्ट रहते हैं, शेप चेंज नहीं होती, राइट। हाँ ये अच्छा, और प्राइस वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता, जो कपड़े के बैग्स पड़ेंगे वो ही आपको वो प्लास्टिक वाले पड़ेंगे, बट द थिंग इज आप ले लेते हो क्योंकि शायद नहीं पता होता होगा जो भी है वट एवर, पर डोंट बाय इट क्योंकि इवेंचुअली ये खराब हो जाएंगे जब आप शिफ्टिंग वगैरह करोगे या कोई थोड़ा सा भी आपने हैवी रखा तो। हाँ। प्लास्टिक वाले इंटैक्ट रहते हैं। सोनू शायद एक वो लाई थी, एक मेरा भाई लाया था, तो वो दोनों खराब हो गए, दोनों हमारे पास ही है। तो अब बच्चे बैठ गए हैं, अब हम चलते हैं। तो गाइस बस अब हम आ गए हैं, और मैं पार्क कर दूँ एक बार कार को, चले। तो ये वो घर है गाइस, द गुड पार्ट इज कि हमारे जो लैंडलॉर्ड है उसने ऐसे मैच करके दिया है कलर्स को, सो दैट हम की में कंफ्यूज ना हो। वी ऑलरेडी मूव सम स्टफ हियर, बट रेस्ट ऑफ द थिंग वी गोना मूव नाउ। So this is the light here. तो हम उनको लेके आते हैं। We're gonna get them. See, see.
how they are looking at me. आओ आइए पधारिए. Just give me one. Yeah. Take Oreo. Right. अरे भैया ठंड हो रही है ठंड. Yeah. इनको भी आने की आदत है बच्चों को. ये अकेले नहीं रहते गाइस, मतलब रह लेते हैं पर ये नहीं रहता टिंगरा. ओके लेट्स गो बेटा. इसे सनरूम बोलते हैं. हाँ सनरूम कहते हैं. अभी हमने अपने टायर्स यहाँ रखे हैं, धीरे धीरे हम अपना सामान यहीं रखेंगे और ये सीन कर रहे हैं सारी चीजों को क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया है. ये हमारे से लिविंग एरिया एक्चुअली क्वाइट वार्म क्योंकि हमारे जो लैंडलॉर्ड है उसने हीट ऑन रख रखा है जबकि अभी हमें यूटिलिटीज नहीं दे रही. दैट्स अ गुड थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज This is the bathroom. You can come and see. And there is a switch of fan as well. तो ये बाथरूम है. ये देखो ये बाथरूम है. और ये आ गया हमारा किचन. ये हमारा किचन है. Yeah. Lots of space. क्योंकि कबर्ड्स हैं यहाँ पर बहुत सारे. और ये दो. ये एक टेबल है. और ये हमारा एक और रूम. हम भी बस आपको एक क्विक व्यू दे रहे हैं क्योंकि अभी हमें सामान यहाँ पर रखना है. तो अभी तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हमने क्या स्पेस लिया है और यहाँ पर कवर दे रखे हमने. एंड दिस इज द सेकंड रूम. एट फर्स्ट वी आर थिंकिंग कि हम 1 BHK ले, पर हमने अब 2 BHK ले लिया. हमें लकीली मिल गया अभी कुछ टाइम पहले. So that's the room. So that's about it. अभी हम आपको डिटेल टूर जब देंगे, जब हम अब यहाँ पर सामान रख लेंगे क्योंकि अभी घर खाली है बिल्कुल. तो अभी हम बस सामान शिफ्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारा सामान है गाइज और हमारी जॉब्स भी है. मतलब सोनू की तो है मॉर्निंग में, मेरी ऑफ है. चले तो गाइज ये और ये भोंक रहा है कि मुझे गोद में ले लो. लेकिन पार्टीज हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो शिफ्ट कर लिया. मोस्ट ऑफ द तो नहीं पर हाफ ऑफ द थिंग्स जो हैवी थे वो. हाँ सबसे हैवी चीजें हो गई हैं कंप्लीट. जो बेस्ट पार्ट है जिसे देख के हमें खुशी हुई वो यही कि बच्चों को स्पेस पूरा मिल गया घूमने के लिए. पहले हमारे पास एक रूम था सिर्फ और अब हमारे पास 2 बेडरूम का पूरा घर है. और पीछे अच्छा खासा वो भी है लॉन गार्डन, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट. वो हम आपको अभी कोई पॉइंट नहीं है दिखाने का, वो हम आपको वो दिखाएंगे सुबह कभी या फर्निश्ड हो जाएगा जब. और एक बेसमेंट भी है, अच्छा खासा स्टोरेज है इस घर में. सबसे बेस्ट पार्ट ये है. तो आई गेस अब हमें दूसरा चक्कर लगाना है, उसमें तो हम क्या ही दिखाएं. तो बस आपको घर दिखाना था. आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हम आपको फुल डिटेल टूर जब देंगे जब हमारा सामान वगैरह यहाँ पर आ जाएगा. अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. सो दैट्स अबाउट इट. तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बाय गाइस.